जय हिंद साथियों, बहुत दिन से इंडियन आर्मी का रैली का कोई आता पता नहीं है। इसके ऊपर कोई क्लब नहीं उठा रही है। जो भी दो चार लोग क्लब उठा रही है उसके बात को कोई सुन नहीं रही है। ठीक है भाई, वीडियो को पूरा देखो भाई, बहुत ही मोटिवेशन मिलेगी। साथियों आज घर घर में फोन है, एक गाँव में चला जाओ ना, छोटा सा बच्चा का पास भी फोन है। हम जब 16.5 या 17 साल ही था तभी हमारे पास फोन आ गया था। ठीक है साथियों, पर इस फोन का बहुत ही साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं बच्चों के ऊपर। फिलहाल हमारा तो इंडियन आर्मी के जाने का उम्र नहीं हो, फिर भी रैली नहीं आ रही है। हमारे साथ जो भाई लोग दौड़ते हैं उसका तो उम्र चले जा रहा है। ठीक है ना साथियों, वीडियो को पूरा देखो। आज हम बात करेंगे छोटा बच्चों को फोन देने का साइड इफेक्ट। भाई वीडियो को पूरा देखो तब जाके समझ में आ जाएगा। साथियों हम भारत में 140 करोड़ लोग है ना, तो भी मुझे लगता है कि हर दिन भारत में 200 करोड़ के ऊपर लोग फोन यूज करते हैं। उसमें से 2% लोग भी इंडियन आर्मी के ऊपर खिलाफ उठाए कि रैली आना चाहिए, मतलब 2 करोड़ लोग भी खिलाफ उठाए कि इंडियन आर्मी की रैली आना चाहिए। तो मुझे लगता है जरूर इंडियन आर्मी रैली आएगा। हम जैसे गांव के लड़का इंडियन आर्मी की तैयारी में लगे रहते पर रैली नहीं आते, इसलिए हमारा उम्र जा रहा है। फिलहाल तो मेरा उम्र नहीं हुआ, मेरे साथ जो भाई लोग दौड़ते उसका तो उम्र चला जा रहा है। इसके ऊपर जरूर खिलाफ उठाना चाहिए। आज हम बात करेंगे छोटा छोटा बच्चों को फोन देने का कुछ साइड इफेक्ट। भाई वीडियो को पूरा बने रहे तब जाके समझ में आ जाएगा कैसे छोटा भाई बहन को हम गुमराह कर रहे हैं। ठीक है ना साथियों, आप बोलोगे कि भाई आप भी ना कैसे कैसे जगह पे जाके वीडियो बनाते हो, कैसे कैसे बैकग्राउंड में वीडियो बनाते हो। साथियों यह आने का मेरा एक ही मकसद था कि मेरा एक पहचाना भाई है, वो अभी BSF में है। तन्मयदा हम तुमको कह रहे हैं, ठीक है ना, वो सारे दिन चावल के खेत के बीच रह के ड्यूटी करते हैं, इसलिए कहते हैं कि हमारा दिल नहीं लगते, कुछ डिफरेंट देखने के सोचता हूँ पर मिलते नहीं है। सारे जगह चावल के खेत, इसलिए थोड़ा जलकर भागड़ा दिखा रहा हूँ। तन्मयदा वीडियो का बैकग्राउंड डेडिकेट तुम्हें तुम्हारा लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करना पड़ा कुछ कारण के लिए, सोचा कि मेरा जिस रोड में रनिंग करते उसको देखा तो इस रोड में हम रनिंग करते, ये हमारा R15 जिसमें आते। छोड़ो उस बात को, छोड़ो असली मुद्दे पे आते। ज्यादातर बच्चों को साइड इफेक्ट फोन का क्या होने लगा, आप घर में पूछोगे, घर में जाके पूछोगे भाई जगदीश चंद्र बोस कौन था, रानी लक्ष्मीबाई कौन था, वो भाई कहेगा भाई क्या हर दिन किताब के बाद लगे के रहते हो, थोड़ा मजे की बात कहो ना। किताब थोड़ा सा हल्के से कहना भाई जॉनी भाई कौन था, नया कालीपा कौन था, वो भाई कहने लगेगा भाई आप तो बड़े मजे की बात कहते हो, मम्मी पापा है ना, थोड़ा बाहर चलो तब जाके बोलता हूँ कौन है। और वो भाई जॉनी भाई जिसका ना कोई बाहर कोई बाल है ना कोई अंदर कोई बाल है, वो तो जॉनी भाई है, हमारा फेमस भाई। और वो वाले दीदी जिसका बड़ा बड़ा रहते चश्मा रहता है, वो वाले दीदी ना तब जाके बोलते हैं भाई हाँ वो वाले दीदी। ये देखो हमारा इंडिया बच्चा का हालात, एडुकेशन सिस्टम पूरा बिगड़ गया है। मोबाइल को थोड़ा भाई सोच समझ के दो, अपना भाई बहन को, अपना बेटा बेटी को। वीडियो का रियल प्रूफ दिखाऊंगा, हमारे साथ जो भाई लोग आते हैं ना रनिंग करने, हमें एक ही उम्र का है। देखो थोड़ा बैक कवर का घुरा लेते, इंटरनेट नहीं मिलने पर किधर चढ़ जाएगा भाई। थोड़ा देखो ये है हमारा भाई जिसके साथ हम रनिंग करने आते हैं, देखो ये है हमारा इंटरनेट के कमाल, ये हमारा जॉनी भाई का कमाल। भाई नीचे आ, नेट मिलेगा भाई नीचे आ। भाई हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी का नीचे या ऊंच दिखाने के नहीं है भाई, ज़्यादातर ऐसा ही होने लगा है बच्चों के साथ। गांव में देखता हूँ कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, छोटा छोटा बच्चा फोन लेकर एजुकेशन नाम पे ऐसा गलत काम कर रहे हैं। भाई अपने भाई बहन को, अपने बेटा बेटी को संभल के फोन दो, मेरा घर में छोटा भाई है, ठीक है ना भाई। ऐसे चलते रहेगा तो हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा बिगड़ जाएगा। लास्ट में ये कहूँगा कि जय हिंद जय भारत।